गाइस रियल मी 9 सीरीज जो है वो पूरी तरह से तैयार है हमारे इंडिया में आने के लिए। अब गाइस हर बार कुछ ऐसा होता है कि जो रियल मी के जितने भी सीरीज़ आते हैं वो सबसे पहले जो नंबर सीरीज़ होता है उसको लॉन्च किया जाता है, जैसे कि रियल मी 8, रियल मी 6, रियल मी 5, ऐसे जो नंबर सीरीज़ होता था पहले उसको लॉन्च किया जाता था, उसके बाद जो उसके IS ये सबको लॉन्च किया जाता था जो भी बाद में होता है। लेकिन गाइस अब कुछ ऐसा होगा कि रियल मी 9i जो है वो सबसे पहले लॉन्च होने वाला है इस बार। तो गाइस रियल मी 9 सीरीज़ में रियल मी 9i जो है उसका डिज़ाइन रिवील हो गया है एंड उसका स्पेसिफिकेशंस भी रिवील हो गया है एंड उसका एक्सपेक्ट प्राइस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड लॉन्च डेट भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, ये फ़ोन जो है ना बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है और जो Realme 9 सीरीज़ है 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो अभी जो Realme 9i है ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले है, सबसे पहले यही लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ हैदर अली एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक की हैदर में। तो क्या सबसे पहले अगर Realme 9i का डिज़ाइन के बारे में बात किया जाए तो फ़ोन का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम Realme GT Neo 2 जो है उसी का डिज़ाइन आपको फ़ोन में देखने को मिलेगा। हालांकि उसमें आपको एक ग्रीन कलर ऑप्शन देखने को मिला था जो कि एक बहुत ही चमचमाता हुआ कलर था। तो Realme 9i का जो एक फ़ोटो रिवील हुआ है ये एक ब्लैक कलर में रिवील हुआ है, हालांकि ये ब्लैक कलर भी Realme GT Neo 2 में देखने को मिलता है। तो यही सेम जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगा फ़ोन में। अगर बात किया जाए फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाएगा। एक आपको AMOLED डिस्प्ले फ़ोन में देखने को मिलता है एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए फ़ोन के कैमरा के बारे में तो आप कैमरा देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा और एक 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक पता नहीं वो डेप्थ होगा या मैक्रो होगा। तो उसके अलावा अगर बात किया जाए फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर बात किया जाए फ़ोन की बैटरी के बारे में तो बैटरी यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। उसके अलावा 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है या फिर 18W का देखने को मिल सकता है, ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं है। अब अगर बात किया जाए फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो गाइस इसमें जो है आपको एक 4G चिपसेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 5G चिपसेट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस फ़ोन में आपको एक मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 11 और Realme UI आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए फ़ोन के रैम और रोम के बारे में तो यहाँ पर 4GB रैम से स्टार्ट हो सकता है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर बात किया जाए फ़ोन के कनेक्टिविटी की तो फ़ोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और USB टाइप सी पोर्ट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे वेबसाइट पर ऐसा बताया जा रहा है बहुत सारे लीक्स पर कि अब जो है इस फ़ोन में 3.5mm ऑडियो जैक जो है वो इस फ़ोन में देखने को नहीं मिल सकता है। बहुत सारे वेबसाइट पर यह भी बताया जा रहा है कि फ़ोन में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि यही रही कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन का। अब अगर बात किया जाए फ़ोन के प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस होगा फ़ोन का, तो इस फ़ोन का जो प्राइस होगा ना वो 15,000 से नीचे ही होगा, ये 100% कन्फर्म है। मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि ये कन्फर्म है तो मैं आपको बता दूँ, तो क्या आज से 3-4 महीने पहले जो Realme का CEO है माधव सेठ, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि 15,000 के ऊपर हमारे जितने भी फ़ोन आएंगे Realme के वो सभी फ़ोन जो है 5G होने वाले हैं। तो आपको बता दूँ ये फ़ोन जो है एक 5G फ़ोन नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब 100% कन्फर्म है कि फ़ोन का जो प्राइस होगा वो 15,000 से नीचे ही होगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ़ोन का जो प्राइस है 13,000 से 14,000 रुपये हो सकता है। और अगर बात किया जाए फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि फ़ोन जो है जनवरी में ही लॉन्च होने वाला है, यानी नेक्स्ट मंथ ये फ़ोन जनवरी में ही लॉन्च होगा। उसके बाद जो है जो Realme 9 सीरीज़ के और भी जो फ़ोन है Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus ऐसा जो है वो बाद में लॉन्च किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा।